की बातों से अपनी शुरुआत करता हूँ कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखूं तो इंकलाब हो जाता है। जहां सोए चैन की नींद, जहां सोए चैन की नींद, ना कोई ऐसा घर होता, जहां सोए चैन की नींद कोई ऐसा घर रहा होता, हर जाति हर धर्म तीन तीन मर रहा होता, अगर चढ़ाना होता भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे, ये मुल्क आज के अंग्रेजों की गुलामी कर रहा होता। भगत सिंह ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, शायद इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा, ये भगत सिंह कह रहे हैं कि ये सोच रहा हूं बैठे बैठे, ये सोच रहा हूं बैठे बैठे कि मेरी उम्र से कैसे देश को फायदा हो। भगत सिंह कह रहे हैं कि ये सोच रहा हूं बैठे बैठे मेरी मौत से कैसे देश को फायदा हो, अगर चढ़ता हूं हंसते हंसते फांसी पे, हर मां चाहेगी कि उसे उसके भगत से भी फायदा हो। दोस्तों आगरा की बहुत कीमती है, 7 लाख कुछ हजार क्रांतिकारियों के जाने के बाद, फांसी पे चढ़ने के बाद, हम आज खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं, हमारा एक फर्ज बनता है हमको याद करें। प्रणाम माता भारती को, सजी हुई आरती को, प्रणाम माता भारती को, सजी हुई आरती को, चंद्रशेखर आजाद की तीखी बोली को प्रणाम है, और उत्तम सिंह ने जो जाकर लंदन में उतारी डायर के सीने में, उस बोली को प्रणाम है, उस बोली को प्रणाम है। और वीरों ने जो खारों से चमकती हुई तलवारों से खेली थी उस खूनी होली को प्रणाम है, और देश के लिए हंसते हंसते चढ़ी फांसी ऐसे रंगले बसंत की टोली को प्रणाम है, टोली को प्रणाम है। अपनी युद्ध से जो युद्ध को विजय किया, वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की कहानी को प्रणाम है, और सैकड़ों दौरों से लड़ने वाली वो अकेली ऐसी रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी को प्रणाम है, मर्दानी को प्रणाम है। दोस्तों क्या होता है सैनिक, सैनिक की परिभाषा आपके सामने रखता हूं कि वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं, वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं, छुपाकर दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं, वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं, छुपाकर दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं, और चारों पहर रहता है हम पर मौत का पहरा, सैनिक है साहब सैनिक हथेली पर जान रखते हैं। हमारे देश में शहीदों की राजनीति की मौत होती है, कुछ ना कुछ टिप्पणी आती रहती है, बिहार में एक मंत्री ने तो ये तक बोल दिया था कि इनको तनख्वाह इसी बात की दी जाती है, मरने की। तो उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि बंद करो शहीदों पर राजनीति करना, बंद करो शहीदों पे राजनीति करना, ये रैलियां ये भाषण ये धरना, और नेताजी अपने देशभक्त होने का सबूत दे रहा हो, और इतनी ही चिंता देश की तो अपने बेटों को सेना में लगे। एक सैनिक दोस्तों जब छुट्टियां खत्म करके वापस घर जाता है, बस एक मिनट दो मिनट का समय मैं आपसे और दूंगा, छुट्टियां खत्म करके वापस घर जाता है, नहीं सॉरी छुट्टियां खत्म करके जब वापस ड्यूटी पे जाता है, कई बार ऐसी जगहों पे पोस्टिंग हो जाती है कि वहाँ 6-6 महीने नेटवर्क नहीं होता, उस समय की खत से, आज के दौर में भी उनकी खत से बात होती है, तो वो जाते जाते अपनी पत्नी से दो शब्द कहता है कि जवाब दे दिया करना मेरे खत के मिलने पर, जवाब दे दिया करना मेरे खत के मिलने पर, बड़ा फक्र है मुझको सैनिक बन के जीने पर, बड़ा फक्र है मुझको सैनिक बन के जीने पर, हर रात तुम बेचैन नहीं चैन से सोना, मैं सो जाऊंगा सर रख के धरती माँ के सीने पर, मैं सो जाऊंगा सर रख के धरती माँ के सीने पर। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। कुछ मसले सुलझने बाकी हैं, अंतिम है कुछ मसले सुलझने बाकी हैं, कुछ मसले सुलझ गए, कुछ मसले सुलझने बाकी हैं, कुछ मसले सुलझ गए, आज लगाकर 4 नारे देशभक्ति के हम फिर से अपने अपने कामों में उलझ गए, आज लगाकर 4 नारे देशभक्ति के हम फिर से अपने अपने कामों में उलझ गए, पर कभी सोचा है आपने उन माँ बाप के बारे में जिनके घरों के इकलौते चिराग देश के लिए बुझ गए।